बिहार में काले कुबेर का भंडाफोड़, करोड़ वाले कुबेर के कारनामे का पर्दाफाश, रात भर चली कुबेर के खजाने की गिनती। मामला गोपालगंज का है, जहां कुचायकोट थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान इको स्पोर्ट्स कार से काले कुबेर के खजाने को जब्त किया। खजाना कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नोट गिनते गिनते कर्मचारी थक गए। करीब 20 घंटे तक चली गिनती के बाद पता चला कि 3.5 करोड़ कैश है। इतनी बड़ी रकम देखकर प्रशासन भी सकते में है। रूप से बलथरी चेक पोस्ट पर वाहनों की जांच की जा रही थी, उसी के क्रम में शंका के आधार पर जब एक्सयूवी कार है इको स्पोर्ट, उसकी जब जांच की गई तो पीछे में तहखाना टाइप का बना हुआ था, ऊपर से बेल्डिंग किया गया था। जब उसमें देखा गया तो उसमें कुछ पैसा की गड्डी, नोटों की गड्डी थी। ड्राइवर से इस संबंध में पूछताछ किया गया तो ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि हाँ, इसमें पैसा है जो वो लखनऊ से लेके सिलीगुड़ी जा रहा था। तो उसी के द्वारा बताया गया कि इसमें अभी 3 करोड़ रुपया है। तो तत्काल हम लोगों ने विभागीय उत्पाद आयुक्त को इसकी सूचना दी, जिले के DM और SP साहब को भी सूचना दी, और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको भी सूचना दी जा चुकी है। वहां से टीम आ रही है, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि शराब की टोह में पुलिस टीम नियमित रूप से चेकिंग कर रही थी। यूपी से आने वाले सभी वाहनों की तलाशी हो रही थी। उसी दौरान शक के आधार पर जब यूपी नंबर की इको स्पोर्ट्स कार की तलाशी ली गई, तब कार की डिग्गी में बनाए गए खुफिया तहखाने से काले कुबेर का खजाना हाथ लगा। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये कार्रवाई उत्पादन विभाग की टीम ने कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर की है। हिरासत में लिए गए दोनों आरोपी राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि बरामद रुपयों के संबंध में आयकर विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित किया है। वहीं पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने बताया कि कैश लखनऊ के गल्ला व्यवसायी का है, जिसे वो लखनऊ से सिलीगुड़ी लेकर जा रहा था। फिलहाल पुलिस इसकी तह तक जाने की कोशिश में जुटी है। धनंजय कुमार, न्यूज़ लाइफ, गोपालगंज।